हेलो एवरीवन माय नेम सिंह वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं हम देखेंगे आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा और काफी लोग हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दे इन्जॉय रीडिंग दे लाइक वीडियोज बट दे है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि जो ये रीडिंग्स हैं ये आपको और रेजोनेट करें और जो भी मैं हीलिंग करती हूँ आपके लिए वो आप तक पहुँचे अगर आप कुछ एनर्जी वेब का हिस्सा ही नहीं होंगे तो वो आप तक नहीं पहुँचेंगे ठीक है और कमेंट सेक्शन में अम, एंजल्स को यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर जरूर शो करें और थैंक यू एंजल्स थैंक यू यूनिवर्स आप कुछ भी कर सकते हैं और रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं

अफ्रीका ना बहुत शांत लग रहे हैं मुझे ए लॉट ऑफ साइलेंस समथिंग ओके ओके सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स सेवन ओ माय गॉड द चैरियट सेवन कार्ड 77 की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है एंड द जजमेंट देन देयर इज अ टू कार्ड व्हिच इज अ मेजर कार्ड ओके सो सो कैप्रिकॉन आई वै एम सींग दिस वीक सेलिब्रेशन सर डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के, के घर में कुछ फंक्शन हो सकता है पार्टी हो सकती है uh, बर्थडे हो सकता है या फिर आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर जहाँ आप ड्रिंक करें यू you नो know, गेट टुगेदर बेसिकली ड्रिंक मत करना जाके वो मतलब क्योंकि मैम ने कहा था ड्रिंक करना है नो यू कैन सोबर भी रह सकते हैं आप आप ऑब्वियसली पार्टी यू नो गेट टुगेदर आप मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ ठीक uh, है वे यू आर इंजॉइंग ठीक है एंड देन सेवन एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है कैप्रिकॉन तो डेफिनेटली मैंने जो आपको पहली मैसेज दिया वाइल शफलिंग द कार्ड कि आप में से बहुत से लोग ना कुछ चीजें इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं शांति से सोच रहे हैं बैठ के तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हो गया कुछ महीनों में क्या हो गया पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देख रहे हैं ऐसा क्या कुछ छूट गया है आपसे तो डेफिनेटली आप वो चीज सोच रहे हैं एंड uh, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का लाइफ कुछ पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छा टाइम था किसी के साथ वो आप मिस कर रहे होंगे एंड द चैरियट कार्ड यहाँ पे चीज़ें मुझे प्रोग्रेस में दिख रही हैं बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है और uh, यहाँ पे मैं एक मैसेज और देख रही हूँ कैप्रिकॉन प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा दिस वीक इट कुड बी पॉसिबल कि लोग आपको चीट uh, कर सकें इस मंथ मतलब इस वीक सॉरी आई डोम इस मंथ ठीक है uh, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपनी चीज़ों पर और uh, Uh, और अगर आप किसी भी इस तरीके से कुछ कर रहे हैं बी ऑनेस्ट टू द थिंग्स टू द पीपल ओके एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है विच इज टेलिंग मे बैलेंस यून एंड यांग का बैलेंस दिख रहा है मुझे तो इस वीक आपके लिए यू बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज इमोशनली सैटिस्फाई ठीक है और अगेन मुझे इस वीक आपके लिए कुछ uh, जैसे कहते हैं ना मोमेंटम दिख रहा है और कहीं ना जैसे आप अपने रथ को लेके जा रहे हैं आपको पता है कहाँ जाना है अब आप आ रहे हैं मुड़ रहे हैं आप ठीक है जजमेंट का कार्ड कुछ पिछली चीजें जो छुट गई थी जो जो रह गई थी कुछ अनकहीं अनसुनी कुछ पुरानी यादें कुछ पुराने लोग आपको इस वीक दस्तक दे सकते हैं ठीक है आपसे पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया आप पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया तो जजमेंट डे है कभी भी हो सकता है इट कुड बी पॉसिबल कि डिवाइन आपसे जजमेंट ले ले कि आपने ऐसा क्यों किया किसी इंसान के रूप में ठीक है तो चलिए uh, देखते हैं अब आपके लिए सोल uh, पर्पज से क्या आ रहा है क्या यहाँ पे यहां ना मैं एक चीज और देख रही हूं ओके इट इज टाइम कि अब आप अपनी लाइफ में थोड़े से ना ट्रांसपेरेंट हो जाए यू नो लाइफ में अब आपको बहुत जरूरी है कुछ चीज़ें उतार कर फेंक दें कोई ऐसा नेगेटिव चोला पहना हुआ है कोई झूठ का कोई ऐसी चीज जो आप छुपा रहे हैं लोगों से इट कुड बी पॉसिबल यू नो मैं बहुत खुश हूँ लेकिन अंदर से आप दुखी हैं आप लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है तो बी अ न्यूड लाइक बी अ न्यूड साइड जहाँ एक जहाँ कोई पर्दा नहीं है ठीक है एटलीस्ट अपने आप से सच बोले और यस लेट्स सी सी आई वाज गिविंग दिस मैसेज एंड देन माय इिंग्स फॉल ऑफ तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको छोड़ने की जरूरत है ठीक है <clears throat> हो सकता है कि आपको इस वीक या फिर इस मंथ कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम तो आपकी कोई पुरानी प्रॉब्लम या कोई बीमारी जो आपको बहुत लंबे टाइम से है वो भी आपको इस मंथ या इस वीक मुझे दिख रही है होती हुई ठीक है लेट्स सी फेलियर आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न अगर आप लाइफ में कहीं पे भी फेल हुए हैं वेदर इन टर्म ऑफ योर रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ करियर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पास हो जाते हैं कहीं फेल हो जाते हैं सी फेलियर कुछ नहीं होता इट्स इट्स एन एक्सपीरियंस तो अगर आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की है तो उसको फेलियर में काउंट मत करिए दैट्स योर एक्सपीरियंस ठीक है आप उससे चीजों से सीख सकते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अब लाइफ को और अलग ढंग से देखते हैं यू बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस राइट ट्रस्ट एग्जैक्टली यू नीड टू ट्रस्ट एंड आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली एग्जैक्टली अपनी इनर गाइड्स गाइड इंट्यूशन से पूछे अपने आप से पूछे आपको क्या चाहिए आपको क्या झूठ मत बोलिए आपकी अंतर आत्मा आपको अच्छे से बता देगी कि आपको क्या चाहिए और ट्रस्ट करें उस उसपे ठीक है कभी कभी हम ऐसे करते हैं नहीं नहीं निगलेक्ट कर देते हैं नो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ट्रस्ट द डिवाइन ट्रस्ट योर सेल्फ आई थिंक यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी देख रही हूं ठीक है तो डोंट डू दैट ट्रस्ट योर सेल्फ prosperity prosperity is flowing towards you so be open wow capricorn see can you see it kitna uh, beautiful ek yahan pe full of money full of kaise uh, abundance bahar nikal rahi hai prosperity so definitely kai uh, capricorn ke liye to maine is week agar aapne meri personal numerology वाली video नहीं देखी है तो do watch it. Uh, मैंने उसमें बताया हुआ है ठीक है और uh, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे उनका पर्सनल ईयर भी एट चल रहा होगा तो यहाँ पे बहुत मेहनत है आपकी इस ईयर और इस वीक भी में आपको कुछ मॉनिटरी गेन ज़रूर मिलेंगे और हो सकता है कुछ खर्चे भी हों आपके खर्चे भी होंगे और मिलेगा भी डोंट वरी ठीक है सो so लेट्स आपके लिए आपकी लव अफर्मेशन से क्या गाइडेंस आ रही है सो आई लव दीज कार्ड इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होते हैं विद अ स्लाइटली ह्यूमर ठीक है तो हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ओके okay. लिस्निंग <laughs> I activate my receptive side and become an engaged, intuitive, professional प्रोफेशनल listener. Uh, Capricorn, कैपरेशन आई एम बैडली सीन दिस कि आपका receptive mode off है आप कुछ चीज़ों में अड़ जाते हैं यही सही है मैंने जो कह दिया वो कह दिया सी दूसरी साइड भी सुनने की कोशिश कर लीजिए थोड़ी सी ठीक है और अपनी लाइफ में थोड़ा रिसप्टिव मोड को एक्टिवेट कीजिए और थोड़ा सा ना एंगेज हुई लोगों से और यू नो एटलीस्ट उन्हें चांस दीजिए और अपने आप को चांस दीजिए कि उनकी बात आप सुन सके अगर आप मी मेयर माइसेल्फ में रहेंगे तो कोई आपको कुछ कह ही नहीं पाएगा बिकॉज यू आर अनअप्रोचेबल ना आई विल बी इन अ ग्रेट पोजिशन टू गिव दैम एग्जैक्टली वॉट दे नीड और सी अगर आप किसी की कुछ सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत हो और आप वहाँ अवेलेबल ही ना हो क्योंकि आप वहाँ उनकी बातें ही नहीं सुन रहे हैं तो इट कुड बी पॉसिबल कैपरिकॉन You know, आप अपने आप में इतने हुए हो कि शायद लोगों को आपकी जरूरत है और आप सुन ही नहीं पा रहे हैं ठीक है सी यहाँ पे किस तरीके से ये एलिफेंट uh, के कान में जाकर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ चीजें सुन नहीं रहे हैं इट कुड बी योर इनर वॉइस और समबड़ी एल्स समबड़ी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू और समबड़ी वॉन्ट्स टू से समथिंग टू यू और शायद अपनी ही आवाज आप दबा रहे हैं या किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप देखिएगा ये कौन सी साइड है कौन सी चीजों में आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं लोगों की भी सुने फिर अपनी चीजों को वैल्यूएट करें क्या सही है और क्या नहीं ठीक है सो दैट इट कैपी आई होप यू लाइक दिस रीडिंग इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड आई सी माई नेक्स्ट वन टोवाइड